नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। चांदन बांका प्रखंड क्षेत्र के दक्षिणी बारने पंचायत के मध्य विद्यालय लालपुर में पदस्थापित 55 वर्षीय शिक्षिका लील मुनि किस्कू के निजी आवास पर शुक्रवार 1 जुलाई की रात्रि निधन हो गया। शिक्षिका लील मुनि किस्कू लंबे समय से हृदय रोग से पीड़ित थी, जिसका इलाज कलकत्ता से चलाया जा रहा था। शिक्षिका लील मुनि किस्कू की आकस्मिक निधन की खबर से प्रखंड क्षेत्र शिक्षक संघ में शोक की लहर दौड़ पड़ी। वहीं प्रखंड के BIO सुरेश ठाकुर ने शिक्षिका के निधन पर दुख व्यक्त किया। उधर मृतक शिक्षिका के पुत्र राहुल कुमार हेब्रम, रोहित कुमार हेब्रम, बेटी रेशमा हेब्रम, बहू रंजू हंसदा, पोता प्रतीक हेब्रम, चाचा ससुर कटोरिया के पूर्व विधायक सोनेलाल हेब्रम आदि परिजन रोनों का बुरा हाल है। शिक्षिका नील मुनि किस्कू के आकस्मिक निधन पर पूर्व विधायक सोनेलाल हेब्रम ने बताया कि मेरी बहू अच्छी स्वभाव की महिमा थी। विद्यालय में सभी के साथ अच्छा व्यवहार किया करती थी, जिसकी मिसाल तौर पर शिक्षक संघ के सभी शिक्षकों ने इनके निधन पर शोक जाहिर किया। मैं सरकार से अपील करता हूं कि समय रहते बहू की निधन हो गई, इनके आश्रित परिवार को अनुकंपा के तौर पर नौकरी दिलाई जाए। इधर शिक्षिका के मृतक की खबर से आदिवासी बाहुल्य समाज के सैकड़ों रिश्तेदार इकट्ठा हो गए और मृत आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की। ब्यूरो चीफ उमा कांशा की रिपोर्ट। सर, आज देख रहे हैं एक शिक्षिका के यहाँ की घटना घटी है, जो मौत हो गई है। इस परिप्रेक्ष्य में जानना चाहते हैं क्या कैसे घटना घटी। ये लालपुर जो मध्य विद्यालय है उसमें प्रधान शिक्षिका थी, प्रधानिका थी। इसको 2-3 वर्ष पहले इसको हार्ट की बीमारी ब्लॉकेज का हुआ जी। तो इसके बाद ये रांची में इसका ऑपरेशन हुआ और एक स्टेम लगाया गया। मैंने ये ऑपरेशन स्टेम लगाया गया, लेकिन वो लगता है कि वो गलती से डॉक्टर सक्सेस नहीं हो पाया क्या? हाँ, सक्सेस नहीं हुआ। नहीं, सक्सेस तो हुआ। इन लोगों से पैसा लिया गया अमेरिकन स्टेम का। अच्छा अच्छा। लेकिन लगा दिया चाइना वाला स्टेम, और चाइना वाला जो डुप्लीकेट स्टेम होता है, और डुप्लीकेट स्टेम के चलते जब 2-3 वर्ष के बाद वो स्टेम काम करना बंद कर दिया जी। वो काम करना बंद किया तो ब्लॉकेज का परसेंटेज 80% बढ़ गया। इधर जब जांच कराई तो उसमें 80% ब्लॉकेज था। उसके बावजूद भी ये लोग कलकत्ता ले गए। कलकत्ता में डॉक्टर से कंसल्ट किए तो डॉक्टर का कहना था कि हम तो ऑपरेशन तो कर देंगे, लेकिन ये फिजिकली और मेंटली तैयार नहीं है जी। ये अपने भी तैयार नहीं थी कि 80% ब्लॉकेज था। दूसरा है कि किडनी जो है दोनों डैमेज हो गया था, इसलिए वो फिजिकली और मेंटली भी तैयार नहीं हुई। ये पदस्थापित कहाँ थी इस शिक्षिका? ये लालपुर मध्य विद्यालय उत्तरी बारने में पड़ता है जी। ये जो है घटना ही घटी है, कितने बजे, कल कब की घटना है ये? आज रात में अचानक करीब 1 बजे के लगभग तीसरा हार्ट अटैक आया। इनके कितने परिवार में है? इनके परिवार में इनके 2 लड़के हैं और दोनों शादी शुदा है। एक बड़ी पतो हुए है और एक छोटी इस वर्ष शादी हुई। एक लड़की है, वो लड़की तो खैर उनके हस्बैंड। सर, आप पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, आप सरकार की ओर से आप क्या आपका मांग है इनके प्रति? पहला तो है कि चूंकि उनका सेवा में अभी सेवानिवृत्त नहीं हुई थी, नवंबर में रिटायर करने वाली थी, इसलिए अनुकंपा के आधार पर एक आदमी की बहाली होनी चाहिए जी। धन्यवाद सर। का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।